हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये जो स्पिन मॉप है उसका हैंडल आपके सामने पड़ा है। ये भी अक्सर टाइट हो जाता है या फिर इसमें आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, तो आज इसको भी हम रिपेयर करेंगे। जो लंबाई बढ़ाने के लिए ये ऊपर का हैंडल है, इसका और कोई यूज नहीं है, तो इसको हम यहाँ से खोल देते हैं। तो इसमें से ये मॉप है, इसको भी हम अलग कर देते हैं और हालांकि इसको खोलने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं इसे खोल देता हूं। तो ये देखिए, हालांकि ये लॉक यहां से खराब हो जाता है, तो आप इसे यहां से ना खोलेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो इसको मैं एक बार खोल देता हूं। हमें क्या करना होगा, इसे अलग करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको दो तरीके हैं। एक तो इसको गर्म पानी में, उबलते पानी में, उबलने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाए उस पानी के अंदर इसको थोड़ी देर छोड़ सकते हैं, या फिर हेयर ड्रायर से ये रोड है इसको हम गर्म करेंगे तो भी ये बाहर निकल जाना चाहिए। यहाँ गर्म पानी है, उबलता पानी ना लें, उबालने के बाद थोड़ी देर बाद इस रोड को इसमें डाल के छोड़ दें, तो क्या होगा, ये जो प्लास्टिक है वो लूज हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, आसानी से बाहर आ गया। ये यहाँ खींचने पे ये बाहर नहीं आ रहा है, तो यहाँ आगे से हम इसको भी थोड़ी देर गर्म पानी में डाल देते हैं और फिर ये जो इसके रबड़ है, स्टॉपर है, इसको भी हम बाहर खींच लेते हैं। थोड़ा इसको गर्म पानी में रखा है मैंने और उसके बाद ये देखिए आसानी से बाहर निकल जाता है। इस साइड से निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि यहाँ डबल डबल लॉक लगे हुए हैं और थोड़ा सा मुश्किल है इसको निकालना। तो ये काफ़ी खींचने के बाद भी नहीं निकल रहा है और हमने पेचकस से भी ट्राई किया है। तो हम क्या करते हैं, एक कपड़ा लेंगे और उसे ज़मीन पे बिछाने के बाद ये दूसरी साइड से अंदर जब दबाते हैं तो अंदर एक स्प्रिंग होता है, दबा के रखेंगे और इस प्रकार से इसको नीचे मारेंगे। तो देखिए, तो आखिरकार ये बाहर आ गया है। तो यहां से ये हम रोड को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस रोड में कहीं ज़्यादा जंग वगैरह तो नहीं है, तो इसमें केवल लुब्रिकेशन करने की आवश्यकता है। कभी भी खोलते समय प्लायर आदि से यहाँ से ना पकड़ें क्योंकि ये थ्रेड है वो खराब हो जाएगी। तो ये बराबर बैठ गया है और हमारे ये रोड है वो भी स्मूथ हो गई है। अगर आपके रोड में ज़्यादा ही जंग आदि हो, रस्ट हो, तो थोड़ा कपड़ा आदि डाल के या फिर इसमें थोड़ा पेट्रोल आदि डाल करके किसी ब्रश आदि से भी आप इसको साफ कर सकते हैं। ये आगे का कैप भी लगा देते हैं। ध्यान ये रखें, इसे पानी से बचाएं, पानी जाने पर ही ये खराब होती है। ये वाली नॉब इस पे वापिस चढ़ा देंगे, इसे पूरा आगे तक आपको लेके जाना है। ये जहां निशान बना हुआ है तो उसके लिए भी इस प्रकार से इसको यहाँ से नॉब को पकड़ करके ठोकेंगे, इसको थोड़ा दबाएंगे तो ये नॉब बैठ जाएगी।
खैर काफी मुश्किल हो रहा है, वापिस नहीं जा रही है। तो थोड़ा इसको हेयर ड्रायर से हीट करके या फिर वापिस गर्म पानी में डाल करके इसको वापिस आप चढ़ा सकते हैं। खैर एक बार काम चलेगा। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को भी लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।